इटानन के बलाड़ा गांव में निजी सीमेंट फैक्ट्री में श्रमिक के काम करते हुए सुरक्षा बेल्ट टूटने से हादसा हो गया। बता दें कि सरिये घुसने से श्रमिक की मौत हो गई। कुछ सहायक श्रमिकों और ग्रामीणों ने फैक्ट्री परिसर में तोड़फोड़ कर दी। श्रमिकों ने मुख्य गेट को क्षतिग्रस्त कर प्रदर्शन किया। हजारों की तादाद में फैक्ट्री गेट के बाहर श्रमिक मौजूद है। इस दौरान क्षेत्र के 5 थानों का जाब्ता मौके पर मौजूद है। जिला कलेक्टर SP और भारी पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात है। ज्यादा जानकारी के लिए जेतारण से संवाददाता प्रवीण मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, जेतारण के सीमेंट फैक्ट्री में आज एक हादसा हुआ जहां पर एक श्रमिक की सरिया घुसने से मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों में और जो फैक्ट्री में मजदूर है उनमें काफी रोष देखा गया। लगातार वो सीमेंट फैक्ट्री में तोड़फोड़ कर रहे हैं। अब क्या कुछ स्थिति मौके पर बनी हुई है प्रवीण? जी दीपिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जेतारण के बलाड़ा में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री जो निर्माणाधीन है, वहां पर श्रमिक की मौत के बाद मचे बवाल के बाद अभी फिलहाल वहां पर शांति का माहौल है और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है। समझा, इसके प्रयास जारी है। हमारे पास ऐसी सूचना आ रही है कि जो मृतक का भाई है वो मौके पर अड़ा हुआ है कि एक तो मुआवजे की मांग उनकी चल रही है, दूसरा कि मौके पर मृतक का शव लाया जाए, इस मांग को लेकर भी वो अड़े हुए हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो जैतारण के उपखंड अधिकारी भास्कर बिश्नोई है और जो अभी फिलहाल कोतवाली पाली के अंदर जो सुरेश चौधरी CI लगे हुए हैं, जो पहले भी जैतारण क्षेत्र के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अपने पदस्थापन पर रहे थे, वो खुद मौके पर हैं और जो मृतक के परिजन हैं उनसे और जो बिहारी मजदूर हैं, ये बिहारी मजदूरों का यहाँ पर तांडव कहा जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ी गलती ये भी है प्रशासनिक अधिकारियों की कि यहाँ पर क्षेत्र में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में जो काम करने के लिए बिहारी मजदूर आए हुए हैं उनका नहीं तो कोई किसी तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन हो पाता है, जिससे ये पता नहीं चल पाता कि यह सामाजिक तत्व है या किस तरीके के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसको लेकर भी अब प्रशासन को इस हादसे के बाद सोचना होगा कि पुलिस वेरिफिकेशन हो, और इनके पास एग्जैक्ट आंकड़ा भी नहीं है कि कितने हजार की तादाद में प्रदेश के बाहर से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तीसरी बात मैं दीपिका आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में किसी भी स्तर का जो वो रोजगार लेने के लिए जो योग्यता रखते हैं वो जाते हैं, और यदि स्थानीय वो व्यक्ति है इसका वेरिफिकेशन हो जाता है तो उनको प्रथम दृष्टया बाहर निकाल दिया जाता है। आक्रोश में ये भी एक मुख्य कारण निकल कर सामने आया है। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी मृतक के परिजनों से और बिहारी मजदूरों से सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। मौके पर आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। फिलहाल तांडव तो समाप्त हो गया है, शांति का माहौल है। पुलिस का पूरे जिले भर से विभिन्न थानों से भी यहां पर जाब्ता बुलाया गया है और भारी तादाद में अभी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है। दीपिका, देखना होगा कि क्या मुआवजे पर सहमति बन पाती है, क्या आगे हादसे नहीं हो, इसको लेकर भी क्या प्रशासनिक तंत्र किस प्रकार से कठोर निर्णय लेगा, क्या फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा जिस तरीके से अब लोगों में ये खौफ भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है स्थानीय क्षेत्र के लोगों में कि क्या फैक्ट्री प्रबंधन आनंद फानंद में मुकदमे दर्ज करवाएगा, क्या उन मुकदमों के अंदर कई ऐसे निर्दोष लोगों के नाम भी नहीं आ जाए, इसमें इसको लेकर भी स्थानीय ग्रामीणों में खौफ और रोष भी है। चलिए प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।